हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल अगर आप भी उन लड़कियों में से हो जिसे फेस्टिवल के टाइम पर सिर्फ रेड और पिंक कलर पहनना ही पसंद है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है मैंने मंगवाए हैं पिंक कलर के बेहतरीन से पांच सूट्स जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे तो और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे अच्छा हाँ अभी कुछ दिन पहले मैंने शेयर करी है ग्रीन कलर की यस तीज स्पेशल ओनली ग्रीन कलर के सूट्स की वीडियो उसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप ओनली पिंक की जगह ओनली ग्रीन देखना चाहते हो तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया ना उसे क्लिक करना और सारे ग्रीन सूट्स आपको दिख जाएंगे आज आपके साथ पिंक वाले शेयर करी हूँ सबसे पहले शेयर करती हूँ ये वाला सूट बेहतरीन वाला ये आपको ओनली ग्रीन वाले में भी दिखेगा मिंत्रा पर इसके चार कलर्स अवेलेबल हैं पहला है मस्टर्ड और मेहरून के कॉम्बिनेशन में दूसरा है मेहरून कलर का तीसरा है ग्रीन कलर का और चौथा है पिंक कलर का और चारों के चार मेरे पास है मैं आपको बाकी तीनों के लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वालिटी इनकी अमेजिंग है पिंक वाले का कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाती हूँ ये डार्क पिंक और लाइट पिंक के कॉम्बिनेशन में होने वाला है ये सूट मुझे इसके काम की वजह से सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें आपको पूरा गोटा वर्क का काम मिलता है फैब्रिक जो है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इंडो एरा ब्रांड का ये होने वाला है वर्क आप इसका देखो बहुत प्यारा पूरे सूट में आपको गोटे का काम मिलता है इसमें और पूरे सूट में मिलता है तो राखी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका स्लीव्स पर भी आपको पूरा गोटे का काम मिल जाता है इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देखो मतलब इसका जो गोल्डन भी है ना ये आँखों पर चुभने वाला गोल्डन नहीं है काफ़ी प्रिटी है इसमें आपको अस्तर लगा हुआ मिलता है सूट में पूरे सूट में तो काफ़ी प्यारा है इसके साथ आपको मिलता है बॉटम वेयर और बॉटम वेयर में भी आपको पूरे में गोटा वर्क का काम मिलता है तभी तो मैं कह रही हूँ ये राखी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप पिंक कलर का सूट ढूंढ रहे हो और प्राइस इसका काफ़ी अच्छा है इसके काम के हिसाब से इसका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल मुझसे मुझे लगता है ये आप देखेंगे इसमें पूरा कट वर्क का काम है और पूरी चुन्नी पर गोटे का काम आपको मिलता है ब्यूटिफुल सूट है हॉट पिंक के साथ ये लाइट पिंक का कलर कॉम्बिनेशन गजब का लग रहा है डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इसमें तीन कलर और हैं उनके लिंक भी मैं आपको दे रही हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लेना चारों में से कोई ना कोई आपको पसंद आई जाएगा और मेरे बोलने पे एक बार मंगवा के देखना आप मेरी तरह ऐसे दीवाने हो जाओगे ना सूट के कि आप बाकी के कलर्स भी मंगवा लोगे इतना प्यारा है ये नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये तो था डार्क पिंक सूट और लाइट पिंक दुपट्टा नेक्स्ट शेयर करती हूँ लाइट पिंक सूट जिसका कॉम्बिनेशन है डार्क पिंक दुपट्टे के साथ ये होने वाला है बेसिकली चंदेरी फैब्रिक का सूट बेहतरीन वाला ये आप देख सकते हो अगर आपको ऑफिस ऑफ़िस जाना पड़ता है फेस्टिवल के टाइम पे और आपको ऐसा सूट चाहिए कि भाई देखने में ओवर भी ना लगे तो आप ये सूट ट्राई कर सकते हो इसमें आपको पूरा थ्रेड का काम मिलता है नेक एरिया पर पूरे सूट में नहीं है कलाकारी पूरे सूट में कोई एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं है सिर्फ़ नेक एरिया पर मिलता है आपको और स्लीव्स पर आपको इस तरीके से फैब्रिक की ही डिटेलिंग मिलती है चंदेरी का फैब्रिक है पूरे में आपको अस्तर लगी हुई मिलती है कहीं से कहीं तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चुभ रहा है या फिर ट्रांसपेरेंट है नहीं वी नेक आपको इसका मिलता है इसके साथ आपको मिलता है बॉटम वेयर बिल्कुल प्लेन बॉटम वेयर भी चंदेरी फैब्रिक का है और इसमें भी आपको पूरे में अस्तर लगी हुई मिलती है ये आप देखेंगे इसकी जो जान है ना वो है इसका दुपट्टा इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्योंकि सूट बिल्कुल प्लेन है ना तो इसका दुपट्टा बहुत मस्त और बहुत प्यारे कलर का होने वाला है ये आप देखेंगे इसके दुपट्टे में आपको यहाँ पर पूरा स्टोन स्टोन जो छोटे छोटे से होते हैं ना वो लगे हुए मिलते हैं बहुत प्यारी लुक है इसकी लाइट पिंक के साथ डार्क पिंक का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत अच्छा निखर के आ रहा है मतलब मजा आ गया मुझे सूट देख के मैं आपको इसका कलर कॉम्बिनेशन दिखा देती हूँ वैसे तो मैं साइड में पहन के दिखा ही रही हूँ आपको ये आप देख सकते तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत गजब का है चुन्नी जो है ये बहुत ज्यादा भारी नहीं है ऐसा नहीं है कि यार चुन्नी संभाले नहीं संभलेगी ऐसी वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी चुन्नी काफी हल्के फैब्रिक की है और बहुत ज्यादा चौड़ी भी नहीं है कि अगर आप एक तरफ लेते हो तो पूरा हाथ भर जाएगा नहीं काफी सही सूट है डेफिनेटली ट्राई कर सकते तो पांचों के लिंक आपको दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सूट शेयर करती हूँ ये मेरे पास ब्लू कलर में है पहले से वो मैं आपको दिखा दूंगी साइड में जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना कलर ऑप्शंस उनके लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्योंकि यार जो सूट मेरा अच्छा निकलता है ना उसी का ही मैं अगला कलर मंगवाती हूँ वरना मैं नहीं मंगवाती हूँ ये आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छा इस पे काम हो रखा का, है गोटा वर्क का ये चंदेरी फैब्रिक का सूट है वैसे तो ये आप देखेंगे स्लीव्स पर आपको अस्तर लगी हुई नहीं मिलती है बाकी आगे के और पीछे के पल्ले में पूरी अस्तर लगी हुई आपको मिलती है ये जो है ना इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है वैसे तो ये टाइंड डाई वाली लुक का है बांधनी लुक का इसका नेक पर आप देख सकते हो आपको पूरा गोटे का काम मिलता है एम्ब्रॉयडरी वाला ये आप देखो ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी का काम है इसका इसमें ब्लू कलर भी है मेरे पास उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्लीव्स पर आपको यहाँ पर लेस लग लगी हुई मिलती है जो बिल्कुल बारीक वाली लेस होती है ना वो लुक इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है बॉटम वेयर की अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ आपको बिल्कुल प्लेन बॉटम वेयर मिलता है लुक इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसका सूट जो है ना सारा काम उसी पे है बॉटम वेयर और दुपट्टा बिल्कुल प्लेन होने वाला है दुपट्टे में आपको गोटे वर्क वाली दुपट्टा मिलती है मेरे को ये दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं एक्चुअली ये आप देखेंगे पूरे में आपको ये झालर वाली लेस लगी हुई मिलती है और पूरा दुपट्टा शिफॉन का बिल्कुल प्लेन होने वाला है इस सूट की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर आप फेस्टिवल टाइम में ऑफिस पहनने के लिए भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो अगर आपको राखी पे बहुत ज़्यादा हैवी सूट नहीं चाहिए बट ऐसा भी नहीं चाहिए कि कोई देख के बोले अरे ये क्या पहन रखा है तो भी आप इसे ले सकते हो एक सूट यार जब मैं इसे देख रही थी ना मिंत्रा पर तो मुझे लगा ये पिंक कलर का है बट ये थोड़ा सा ना अभी पिंक और मैरून मुझे तो मिक्स मिक्स सही लग रहा है ये ये मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरे पास सूट है पहले से पर्पल कलर का मैं अभी घूमने गई थी तो मैं मुक्तेश्वर गई थी वहाँ से हम जागेश्वर गए थे तो मैंने जागेश्वर मंदिर में ये सूट पहना था पर्पल कलर का बहुत ज़्यादा प्यारा है वर्क की अगर मैं बात करूँ तो इस सूट को जो पर्पल वाला मैंने पहना हुआ है ना उसे तो मैं आकर मशीन वॉश कर चुकी हूँ कुछ ख़राब नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो इसका दूसरा कलर मंगवाया जाए ये आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही प्यारा है मतलब वो पर्पल कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सुकून देने वाला कलर है ये वाला थोड़ा सा पार्टी वाला होने वाला है फेस्टिव आ रही है इसमें पूरे में आपको गले पर ना इस तरीके से सीक्वेंस का काम मिलता है और ये बहुत सॉफ्ट है थ्रेड का काम भी है और सीक्वेंस का काम भी होने वाला है इसमें पूरे सूट में आपको अस्तर लगी हुई मिलती है मैं आपको दिखाती हूँ ये आप देखेंगे यहाँ तक आपको पूरे में अस्तर लगी हुई मिलती है स्लीव्स पर भी आपको एम्ब्रॉयडरी का काम मिलता है लिबास ब्रांड की और इंडो एरा ब्रांड की जितनी तारीफ मैं करूँ ना इनके फैब्रिक के मामले में कम है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है इनके फैब्रिक की मुझे लिबास के और इंडो एरा के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इसमें आप देखेंगे नीचे की तरफ भी आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी का काम मिलता है ये आप देखेंगे पूरा सीक्वेंस का काम है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होने वाला है मेरी हाइट फाइव थ्री है और ये थोड़ा लंबा ही सूट है ये नहीं बोलूँगी मैं घुटने तक ही है नहीं ये थोड़ा लंबा सूट है तो आप एज्यूम कर सकते हो मैं आपको साइड में दिखा दूँगी पहन के इसके साथ आपको मिलता है बॉटम वेयर पैंट स्टाइल का काफ़ी प्यारा कलर है ये अगर आप फेस्टिवल के लिए कुछ अच्छा पिंक कलर ढूंढ रहे हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो इसका दुपट्टा इसकी जान है सूट में तो आप देखोगे सिर्फ नेक पर ही काम है बट दुपट्टे में कहीं जगह नहीं छोड़ी है हर जगह एम्ब्रॉयडरी कर दी गई है ये आप देखेंगे पूरा ये कट वर्क वाला आपको दुपट्टा मिलता है और पूरे दुपट्टे में आपको एम्ब्रॉयड्री मिलती है दोनों साइड आपको मिलता है कट वर्क का काम और एम्ब्रॉयड्री का काम एम्ब्रॉयडरी भी है और छोटे छोटे इसमें सीक्वेंस भी लगे हुए हैं तो इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है ये आप देखेंगे इसमें आपको छोटे छोटे ना बहुत छोटे छोटे सीक्वेंस भी मिलते हैं जो जब हिल रहे हैं ना ये तो पूरे में आपको शाइन दिखेगी ये आप देखो बहुत अच्छी लुक है सूट की डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हो लास्ट सूट आपके साथ शेयर करती हूँ ये वाला ये भी पिंक कलर का होने वाला है इसमें तो पिंक के सारे ही शेड है मुझे लगता है ये आप देखो अगर आपको ऑफिस के लिए हल्का फुल्का कोई सूट चाहिए पिंक कलर का तो आप इसे ट्राई कर सकते हो इसके नेक पर इस तरीके से पैच लगा हुआ है लेस का और पूरी ना ये इस तरीके से लहरिया प्रिंट हो रखा है और इसमें भी आपको पूरे में अस्तर लगी हुई मिलती है स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो स्लीव्स प्लेन होने वाले हैं बहुत ही प्यारा अगर कलरफुल सूट चाहिए आपको तो आप इसे ट्राई कर सकते हो इसके साथ आपको मिलता है बॉटम वेयर ये आप देखेंगे ये होने वाला पैंट स्टाइल का और दुपट्टा मिलता है आपको इसके साथ दुपट्टे में आपको मिलती है इस तरीके से किनारी और गेंजा फैब्रिक की और वैसे ये दुपट्टा प्रिंटेड होने वाला है ये आप देखें काफ़ी प्यारा प्रिंटेड सूट अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो इसमें आपको दो साइड पे इस तरीके की लेस लगी हुई मिलती है जिसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सभी सूट्स के लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हाँ दो सूट्स के जिनके मैंने आपको दूसरे कलर भी दिखाए ना उनके लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वरना क्या होता है ना कि मैं दिखाती कुछ और हूँ और लोग बोलते हैं अच्छा जो वो वाला सूट है ना उसका लिंक दे दो तो, तो फिर मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाता है देना तो इसलिए मैं अभी ही आपको सबके लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लेना वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके जाना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बाय